आज ज़्यादा जंक फूड के सेवन, शारीरिक श्रम में कमी और बढ़ते तनाव ने हमारे शरीर को कई बीमारियों से घेर लिया है। गैस्ट्रिक भी ऐसी समस्या है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए परेशानी की वजह बन गई है। आज गैस्ट्राइटिस को ऐसी बीमारी कहा जा सकता है जिससे ज़्यादातर लोग परेशान हैं। यह अलग अलग तरह से लोगों के लिए परेशानी का कारण बना रहता है। ऐसे में जानना जरूरी होगा कि यह आखिर ये क्या है, क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा चैनल डॉक्टर नाजिमा होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर नाजिमा बेगम और आज हम बताने वाले हैं पेट में सूजन यानी गैस्ट्राइटिस के बारे में। पेट की परत में सूजन या जलन की स्थिति को गैस्ट्राइटिस कहते हैं। यह आमतौर पर पेट में अल्सर की समस्या उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया से ही गैस्ट्राइटिस भी होती है। गैस्ट्राइटिस दो प्रकार की होती है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो अचानक होती है और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस जो समय के साथ धीरे धीरे दिखाई देती है। अब यह जानते हैं इसके कारण, ये क्यों होता है। जब पेट की परत यानी स्टोमक लाइनिंग कमज़ोर हो जाती है तो पाचन तंत्र डैमेज हो जाता है और पेट में सूजन आ जाती है जिसके कारण गैस्ट्राइटिस की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया के कारण से भी होता है। यह बैक्टीरिया पेट की म्यूकस लाइनिंग में रहता है और इन्फेक्शन पैदा करता है। इसके अलावा अत्यधिक शराब का सेवन, कुछ दवाओं जैसे एस्पिरिन या एंटी इन्फ्लामेटरी दवाओं के सेवन से भी यह हो सकता है। यह समस्या खराब जीवनशील, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, असंतुलित भोजन, एक्सरसाइज ना करने सहित कई कारणों से भी हो सकता है। इसके होने की एक वजह आपकी कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर रहेगा तो गैस ही नहीं ऐसी दूसरी बीमारी भी प्रभावित कर सकती है। आइए अब जानते हैं इसका लक्षण। पहला, ऊपरी पेट में दर्द होना। इस दौरान दर्द धीरे धीरे होकर बढ़ने लगता है और आपस की भी शिकायत होती है। कुछ खाया पिया पच ही नहीं पाता जिसकी वजह से पूरे शरीर में बेचैनी होती है। इन सब के अलावा पेट में सूजन, खाना न पच पाने की वजह से उल्टी और दस्त की शिकायत भी होती है। साथ ही एसिडिटी की वजह से ढकर, भूख की कमी और लगातार भोजन भी घटने लगता है। अब जानते हैं इसका प्रिवेंशन कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले सुबह खाली पेट में एक गिलास गुनगुने पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थ से एलर्जी। गैस्ट्राइटिस की समस्या पेट में गैस बनती है, ऐसे में पेट फूल जाता है और पेट में दर्द होता है। इसलिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस खाद्य पदार्थों को लेने से ऐसा हो रहा है, यानी किसे खाने के पदार्थ से परेशानी हो रही है, तो गैस्ट्राइटिस से बचने के लिए उसका सेवन तुरंत बंद कर दे। नेक्स्ट, गैस बनाने वाला भोजन ना करे। गैस्ट्राइटिस की समस्या का सबसे बड़ा कारण है गैस बनाने वाले भोजन का सेवन करना, जैसे सेम, मटर, केक, कार्बनिक युक्त सामग्री, खट्टा फल, फूल गोभी, बंदा गोभी और सुपारी आदि। यदि आप गैस बनाने के लिए जिम्मेदार भोजन का सेवन ज़्यादा करते हैं तो इनका सेवन बंद कर दे। कुछ लोगों में गैस बनने का कारण ज़्यादा समय तक भूखा रहना भी होता है। नेक्स्ट, समय पर भोजन। नियमित रूप से भोजन ना करने से गैस्ट्राइटिस की समस्या हो सकती है। अक्सर लोग सुबह के समय नाश्ता नहीं करते और दिन में एक साथ ज़्यादा खा लेते हैं। यह गलत आदत है और इससे गैस्ट्राइटिस की समस्या पैदा होती है। इस तरह की समस्या से बचे रहने के लिए आपको नियमित रूप से भोजन करना चाहिए। समय पर नाश्ता और भोजन करने से गैस की समस्या कम होती है, साथ ही वजन को चबाकर खाना चाहिए। उसके बाद कम मसालेदार खाना। ज़्यादा तेल और मिर्च मसाले वाला तला हुआ गरिष्ठ भोजन भी गैस्ट्राइटिस का कारण बन सकता है। इस तरह के खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करने से परहेज करें। आहार में हरी सब्जियों को शामिल करें। भूख से हमेशा थोड़ा कम ही खाएं ताकि भोजन आसानी से पच सके। साथ ही यह ध्यान रखें कि खाना खाने के आधा घंटे बाद ही पानी पिए। उसके बाद शराब से बचें।
ज़्यादा शराब पीने की आदत गैस्ट्राइटिस की समस्या को बढ़ाती है। हालांकि शराब इस समस्या का एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन शराब को ना लेने या उसका सेवन सीमित करने से भविष्य में होने वाले गैस्ट्राइटिस के जख्म से बचा जा सकता है। और एक छोटे और नियमित आहार। गैस्ट्राइटिस की समस्या पेट से जुड़ी समस्या है, इसलिए हमेशा पेट को आराम देने के लिए छोटे भोजन लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि भारी भोजन आपकी गैस्ट्राइटिस की समस्या को तकलीफदेह बना देता है। आइए अब जानते हैं इसका ट्रीटमेंट। जैसे कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, होम्योपैथी में मरीज के लक्षणों को ध्यान में रखकर दवाई बनाई जाती है। इसमें हर मरीज के लिए अलग से दवा तैयार की जाती है, जो कि उसके लक्षणों पर बीमारी की स्थिति पर निर्भर करती है। फिर भी आज हम कुछ दवाएँ बता रहे हैं और उसके साथ आज हम उसके लक्षणों का भी जिक्र करेंगे। तो जानते हैं पहला दवाई, कार्बो वेजिटेबिलिस, शॉर्ट में हम उसको कार्बोवेज भी कहते हैं। यह दवा अलसी लोगों के लिए अच्छी है जो मोटे और स्वस्थ है। यह उन लोगों के लिए भी अच्छी है जिन्हें पहले हुई कई बीमारी अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। इसके और भी कुछ लक्षण हैं, जैसे पेट में भारीपन और डकार आना, पेट में दर्द जैसे वजन उठाने से होता है, पेट फूलने और दर्द के कारण पेट में खिंचाव, लेटने पर दर्द बढ़ जाना, खाने पीने के बाद लगातार डकार आना, दुर्गंध वाली खट्टी ढकर, पेट पीठ और रीढ़ की हड्डी में जलन, पेट दर्द के साथ ऐंठन जिसके कारण व्यक्ति झुक जाता है, पेट फूलने के कारण सांस फूलना, मीट दूध और फैट वाला खाना खाने की इच्छा ना होना, पेट के ऊपरी क्षेत्र में हाथ लगाने से दर्द होना, हल्का खाना खाने से भी पेट में खिंचाव होना, कमर और पेट पर टाइट कपड़े ना पहन पाना। अगर यह सारे लक्षण किसी भी व्यक्ति में है तो वो कार्बोवेज 200 पोटेंसी में ले सकते हैं दो वंत सुबह शाम। नेक्स्ट मेडिसिन है सिंकोना ऑफिसिनेलिस, इसे हम शॉर्ट में चाइना भी कहते हैं। यह दवा उन लोगों के लिए अच्छी है जिन्हें ज़्यादा चाय पीने से पेट में गैस की समस्या हुई है। और भी कुछ लक्षण हैं, जैसे पाचन कमज़ोर होना, खाने के बाद पेट में वजन महसूस होना, भूख ना लगना, पेट के साइड में दर्द होना, पेट फूलना, मुंह का स्वाद कड़वा होने के साथ खाना पेट से वापस मुंह में आना, खाना पचे बिना ही दोबारा भूख लगना, फल खाने के बाद लक्षण बढ़ जाना, हिलने ढुलने से फूला हुआ पेट कम होना, पेट में गैस महसूस होना जो ना ऊपर जाती है ना नीचे। अगर ये सारा लक्षण किसी भी व्यक्ति में है वो सिंकोना 200 पोटेंसी में दो बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन लाइकोपोडियम क्लेवेटम, यह दवा उन लोगों को अधिक सूट करती है जिन्हें बार बार पाचन संबंधी समस्याएं होती है, जो लोग अपनी उम्र से बड़े लगते हैं। और भी कुछ लक्षण हैं, जैसे स्टर्स वाले खाने के कारण गैस बनना, पेट फूलने के साथ भूख ज़्यादा लगना, थोड़ा सा भी खाने के बाद खाना पेट से मुंह में आना, मुंह का स्वाद कड़वा होना, मीठा खाने की इच्छा होना, थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही पेट भरा हुआ महसूस होना, ऐसा महसूस होना जैसे पेट में गैस घूम रही है, रात के समय भूख लगना, ठंडे से ज़्यादा गर्म खाने पीने का मन करना, पेट में दर्द जो दाई से बाई तरफ जाता है, शाम को 4 से 8 बजे के बीच लक्षण बदतर होना और चलने पर बेहतर होना, शरीर की दाई तरफ लक्षण महसूस होना। अगर यह सारा लक्षण किसी भी व्यक्ति में है तो वो भी लाइकोपोडियम 200 दो बूंद करके सुबह शाम ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन नक्स भूमिका, यह दवा हर उम्र के व्यक्ति के लिए असरदार है, लेकिन इसका इस्तेमाल पुरुषों में अधिक किया जाता है। यह उन लोगों के लिए अच्छी है जो बहुत चिंता करते हैं और हमेशा जल्दी में रहते हैं। इसके और भी कुछ लक्षण हैं, जैसे पेट दर्द के साथ पेट में वजन महसूस होना, पेट फूलना जो कभी कभी खाने के बाद बढ़ जाता है, खट्टे वो कड़वे ढकर आना, मतली के साथ उबकाई वो उल्टी आना,
पेट पर दबाव डालने पर दर्द, पेट की ऊपरी तरफ फूलना और दबाव बनना जैसे पथरी में होता है, मुंह से बदबू आना, उत्तेजक और फैट वाला खाना खाने की इच्छा होना, ढक्कर व उल्टी करने में दिक्कत, ज़्यादा ससने से लक्षण बदतर हो जाना, आराम करने से लक्षण बेहतर होना। अगर यह सारा लक्षण किसी भी व्यक्ति में है वो नागस्वामिका सुबह शाम दो बूंद ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन पालसेटिला। यह दवा उन लोगों के लिए अच्छी है जो स्वभाव में नाजुक व चिड़चिड़े होते हैं और उन्हें सिर को ऊंचा रखकर सोना पसंद होता है। यह दवा आयरन कम होने पर भी दी जाती है और महिलाओं में सबसे अच्छे से काम करती है। इसके भी और कुछ लक्षण हैं जैसे पेट फूलना, खासकर फैट वाला खाना खाने के बाद। फैट वाले वो गर्म खाने पीने के कारण सीने में जलन और अपच, खाने के बाद पेट में खिंचाव महसूस होना जिसके कारण व्यक्ति को अपने कपड़े ढीले करने पड़ते हैं। प्यास ना लगना, बहुत पहले खाया खाना भी उल्टी में निकल जाना, खाने के एक घंटे बाद पेट में दर्द, पेट में भारीपन महसूस होना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, खाना का स्वाद बहुत समय तक मुंह में रहना, खासकर बर्फ फल और पेस्ट्री खाने के बाद। लगातार ढक्कर आने के साथ मुंह का स्वाद खराब होना, पेट से मुंह में पानी आने के साथ मुंह से बहुत दुर्गंध आना जो सुबह के समय पर बदतर हो जाता है, खुली हवा में जाने का मन होना और बाहर जाकर बेहतर महसूस होना। अगर यह सारा सिम्टम किसी भी व्यक्ति को है, खासकर महिलाओं में, वो पालसेटिला दो बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम। यह दवा उन लोगों के लिए अच्छी है जिन्हें दवाओं में विश्वास नहीं है और उन्हें लगता है कि वह मरने वाले हैं। इसके भी और कुछ लक्षण हैं जैसे मतली और उल्टी, खाने को देखना या उसके गंध भी बर्दाश्त ना होना, समय समय पर थोड़ा थोड़ा पानी पीने की प्यास लगना, पेट में जलन के साथ दर्द होना, सीने में जलन, लगातार ढक्कर आना, जीभ का साफ होना व सूखना, थोड़ा सा खाने पीने पर भी पेट में दर्द होना, खट्टा खाना, आइसक्रीम और ठंडा पानी पीने के कारण अपच, सब्जी खरबूजा तरबूज और अन्य पानी वाले फल से लक्षण उत्पन्न होना, दूध पीने का मन करना, पेट में दर्द और उसका फूलना, अत्यधिक बेचैनी के साथ दर्द, इसके कारण व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। अगर ये सारा लक्षण किसी भी व्यक्ति को है तो वह भी आर्सेनिक एल्बम 200 दो बूंद करके सुबह शाम ले सकते हैं। यह सारा होम्योपैथिक दवाई से आपको जल्दी ही राहत मिलेगा। और एक बात, आप लोग कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। तो स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए, आपका सेहत बड़ी अनमोल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।